टॉपिक नंबर 7 माइक्रोस्कोपी। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होती है और लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो वर्क कैसे करता है, लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी मैग्नीफिकेशन क्या होती है, उनकी रेजोल्यूशन क्या होती है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एज़ यू कैन सी, सबसे पहले तो उसका इमेज आप देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप का, और मेरे ख्याल से ये वाला माइक्रोस्कोप सबने यूज़ किया होगा, देखा तो होगा ये अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में। तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको आईपीस नज़र आएगा जहाँ से हम लोग अपनी आइज़ के थ्रू ऑब्जेक्ट को देखेंगे। उसके बाद जो है आपको नोज पीस नज़र आता है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लेंजेज नज़र आते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस यानी वो लेंस जो आपके ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर है। उसके बाद हो जाती हैं स्टेज क्लिप्स। ये क्लिप्स का मकसद होता है आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आपकी स्लाइड है, उसको फिक्स करने के लिए ताकि वो अपनी जगह से मूव ना हो। उसके बाद स्टेज होता है जिसके ऊपर आपने अपना स्पेसिमन रखना होता है। फिर डायाफ्राम होता है, उसके बाद लाइट सोर्स होता है, उसकी बेस जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप खड़ा हुआ है, देन आर्म, हम लोग इसके थ्रू इसको पकड़ते हैं नीचे बेस से और ऊपर आर्म के ऊपर हाथ रखते हैं। उसके बाद आ जाता है कंडेंसर लेंस जो कि इमेज को कंडेंस करने के लिए होता है। फिर कोर्स एडजस्टमेंट नोब्स, फाइन एडजस्टमेंट नोब, दोनों नोब्स को हम लोग यूज़ करते हैं इमेज को बेसिकली। इमेज के अंदर अगर थोड़ी ब्लरीनेस आ रही है और आपको इमेज सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो यूजिंग दीज नोब्स। हाउ अ माइक्रोस्कोप वर्क्स, तो ये एक रियल इमेज उन्होंने दिखाया हुआ है जिसमें वर्किंग दिखाई हुई है माइक्रोस्कोप की। एज़ यू कैन सी यहाँ पर एक लेंस है जिसके लेफ़्ट वाली साइड पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, और जब लाइट पास होती है ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो लेंस के थ्रू जब बिल्कुल मिड वाले पॉइंट को क्रॉस करके दूसरी साइड पर चली जाती है तो वो एक अपसाइड डाउन इमेज क्रिएट करती है। एज़ यू कैन सी फर्स्ट वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि जो पहली रे है वो मिड पॉइंट से पास करी है, उसके बाद अगली रेज जो हैं सेकेंड वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे आई है, पूरे इस स्पेसिफिक एरिया को रेज कवर करती हैं और फिर वो डाइवर्ज होती हैं और आपका इमेज क्रिएट होता है। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली व्यू दिखाया कि आपकी आंखों का व्यू कैसे होता है और आपको इमेज कैसे नज़र आता है। उसके बाद आ जाता है पार्ट्स ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें जो है एल्यूमिनेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक लाइट सोर्स ही है। जो कंडेंसर होता है उसका मकसद होता है जो लाइट उसने कैच की है आपके एल्यूमिनेटर ने वो उस लाइट को डायरेक्शन देती है थ्रू स्पेसिमन, वो स्पेसिमन से गुजरती है, स्पेसिमन के थ्रू जब लाइट गुजरती है तो इमेज क्रिएट होता है। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो है वो स्पेसिमन के बिल्कुल क्लोज होते हैं। मैंने आपको बताया था स्टेज के ऊपर आपने अपना स्पेसिमन रखा हुआ है, उस स्पेसिमन के ठीक ऊपर जो उस ऑब्जेक्ट के आपके ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ओक्यूलर लेंस जिसको आप आईपीस भी कहते हैं। ओक्यूलर लेंस आईपीस एक ही चीज़ है, आपकी आंखों के करीब जो लेंस होता है जिसके थ्रू आपने देखना होता है उसको हम लोग कहते हैं आईपीस। व्हाट इज़ टोटल मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन बेसिकली होती क्या है, किसी भी माइक्रोस्कोप की अगर आप मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जो माइक्रोस्कोप के ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है स्पेसिमेन के ठीक ऊपर, आपने उस ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर को मल्टीप्लाई कर देना होता है ऑक्यूलर लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर से। इन दोनों लेंस की जो मैग्नीफिकेशन पावर है उसको मल्टीप्लाई करके आपको टोटल मैग्नीफिकेशन जो है वो पता चल जाती है। जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं जो आपके स्पेसिमेन के ठीक ऊपर लगे होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, आपने यहाँ देखा होगा फिगर में, ये तीन तरह के हैं। एक होता है लो जो 10x का होता है, एक होता है थोड़ा हाई मैग्नीफिकेशन के साथ जिसकी 40x पावर होती है, एक होती है ऑयल इमर्जन की सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर होती है 100x। जो ऑक्यूलर लेंस है उसकी सेम ही रहती है, उसकी जो भी पावर है वो वही रहेगी। अब ये मैग्नीफिकेशंस याद रखनी है आपने, MCUs में आ सकती हैं। लेट्स सपोज कि आप लो मैग्नीफिकेशन पावर यूज़ कर रहे हैं 10x, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है ऑक्यूलर लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर के साथ विच इज़ 10, तो आपको आंसर मिल जाएगा 100। इट मीन्स के आपके माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है टोटल वो 100 है। इसी तरह अगर आप इन केस के ऑयल इमर्जन यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी 100x होती है मैग्नीफिकेशन, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 के साथ जो कि ऑक्यूलर लेंस की जो है वो पावर है, तो आपको 1000 मिल जाएगा। तो ये हो सकता है आपको MCQ में आए और आपको कहें कि आप कैलकुलेट करके बताएं कि अगर ये मैग्नीफिकेशन पावर है ऑब्जेक्टिव लेंस की और ये मैग्नीफिकेशन पावर है ऑक्यूलर लेंस की, तो आप बताएं कि ओवरऑल मैग्नीफिकेशन क्या होगी माइक्रोस्कोप की। तो आपने सिंपली उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर लिख देना है।
उसके बाद आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इमेज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कॉमन टर्म है, आपने फिजिक्स में भी इस टर्म को बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। किसी भी मीडियम की लाइट को बेंड करने की एबिलिटी को जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जो लाइट रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। सपोज की हमारी ग्लास स्लाइड पड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर जो है इमर्जन ऑयल है, ठीक है, अगर हम लोग इमर्जन ऑयल ऐड ना करें तो ज़्यादातर जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लाइट सोर्स की ही तो ज़रूरत है अपने स्पेसिमन को जो है वो देखने के लिए, तो अगर लाइट ही जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे कैसे। और अगर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का है जो लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है, दैट्स वाई हम लोग इमर्जन ऑयल को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लाइट सोर्स जो है वो ईजिली पास करता है हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू और अनरिफ्रैक्टेड लाइट की सूरत में सीधा जो है वो पास हो जाता है। ये वो लाइन है जो कि अगर हम लोग ऑयल इमर्जन ऑयल के बगैर अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है। ये ग्लास स्लाइड है हमारी, फिर नीचे कंडेंसर लेंस आपको नज़र आ रहे होंगे, फिर लाइट सोर्सेज की दो रेज आपको नज़र आ रही हैं। तो ये है वर्किंग माइक्रोस्कोप की, और हम इसमें देख रहे हैं कि कैसे एक इमर्जन ऑयल का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर आपका इमेज आपको ठीक तरीके से नहीं आपको मिल रहा तो उसका यही मतलब है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें लाइट सोर्स ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और अगर लाइट ही रिफ्रैक्ट हुई जा रही है तो हम लोग कैसे इमेज देखेंगे। इसलिए हम लोग फिर इमर्जन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जो 100x लेवल पे आपको एक मैग्नीफाइंग इमेज देता है। टू इंक्रीज कंट्रास्ट वी स्टे इन द स्पेसिमन, कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए हम अक्सर स्पेसिमन की स्टेनिंग भी करते हैं। उसके बाद आ जाता है रेजोल्यूशन, एबिलिटी ऑफ द लेंजेज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर इनकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है तो वो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे, लेकिन अगर उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है तो वो आपको बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में नज़र आएंगे, अलहदा अलहदा। रेजोल्यूशन अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, तो एक दूसरे से वो अलहदा नज़र आते हैं। ये लाइट माइक्रोस्कोप की उन्होंने आपको रिजॉल्विंग पावर बताई है या रेजोल्यूशन पावर बताई है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, डी इज इक्वल्स टू 0.5 लैम्डा डिवाइडेड बाय एन साइन थीटा। ये बेसिकली रेजोल्यूशन फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसने आपकी हेल्प भी की होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।